यहीं पे दो सेकंड के लिए नहीं रोका था, जानबूझ के तोड़ दिया या दरवाजा उसने मेरी गाड़ी का। न्यू शो ऑन अनदर फक, नहीं गाली नहीं देनी चाहिए। अरे डब्बू, आज मम्मी ने मेहंदी लगाई आकाश प्लीज। नहीं मम्मी ने मेरे को गोल्डन की बेटा और ब्लूबेरी। ठीक है मम्मी, इंग्लिश बोली भाई क्या हाल है सबके यार, नए दिन में आपका स्वागत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बाल बाल बना, मैं पसीने पूरा लेकिन जाहिद आया थोड़ा सा लेट आज, उसने बोला सुबह आएगा, हमें आज बहुत हाँ बोल क्या वो। तो गाइस थोड़ी वर्क रिलेटेड बात हो रही, बट कोई नहीं, जाहिद हमारे लिए आज लेके आया प्रॉन्स, एक चिकन। ये पंकज लाया है, ये जाहिद लाया है, इसमें प्रॉन्स है, इसमें चिकन है। और पापा भी थोड़ी देर में मटन भेजने वाले हैं, तो हमारे पास सारी प्रजातियां हैं दुनिया में जितनी भी हो सकती है खाने के लिए। हम इतने बड़े वो हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉन वेजिटेरियन को क्या कहते हैं भाई, फूडी नहीं है यार। आप लोगों ने कभी गोल्डन कीवी खाई है? नहीं खाई ना, क्योंकि गोल्डन कीवी ऐसे आसानी से नहीं मिलती, वो सिर्फ गोल्डन जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए होती है। सोच रहे होंगे कि रात हो गई, लेकिन रात नहीं हुई है, थोड़ा सा मौसम बहुत सुहाना हो गया, जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, मेरी गाड़ी में थोड़ा सा पानी भर गया इसलिए मैं जल्दी से बंद कर लेता हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी सी हम कार राइड पे निकले हैं। आप क्या देख रहे हैं मेरी तिजोरी से? तो थोड़ा सा हम इंडिया गेट का राउंड लगाने जा रहे हैं, देखें तो जरा माहौल क्या हो रहा है आज बाहर का। देख सकते हैं कि पानी की बूंद, इसको पानी की बूंद मत समझना, ये एक्चुअली थोड़ा चटक गया था भाई। देखो थार में ना बारिश में निकलने का मजा ही कुछ और होता है, वैसे देख ही जाओ। थोड़ा टेस्ट करें इसको, थोड़ा तेज चला गया, अभी सर्विस हुई ना न्यू। जैसे कि इंडिया गेट आप देख सकते हैं, ये रहा, दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ भाई, लोग नहा रहे हैं यार। भाई तो हम भी नहाते हैं ना यार, यार बीमार पड़ जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। गाइस मैं भी डेंगू से उठा हूं, तो थोड़ी वीकनेस है मेरी, दो मैच चंद्रताल लेक भी होके आ गया, पागल हो क्या, बारिश में खाए और मैं खाऊंगा, तुम मत खाना, मैं भी खा लेता हूं यार, तुम पागल हो गया भाई, अकेले अकेले खाओगे क्या। तो गाइस आइसक्रीम ले लेते हैं जैसे ही, भाई वो दे दो मेरे को, तो वो बताओ ना वो डब्बा कहाँ है जिसमें दिखती है क्या क्या लेना है, पर्चा कहाँ है, पर्चा मेनू दे दो भाई। ये चीज देखो कितनी तगड़ी है, ये खुद आइसक्रीम है क्या, कोई सा निकल के जो किसी पे जा रहा है भाई। ले लिया हमने आइसक्रीम है, आइसक्रीम है, और ये तुम्हारी। गाइस चाय पकौड़े खा रहे थे बढ़िया मौसम में, मम्मी को देखो, मम्मी ने क्या करा, बॉम्बे ने इसमें बाल फ्राई कर दिया है, ये रहा इसके अंदर से, इसके अंदर जा रखा फिर बाहर आ रहा है। गाइस अगर तुम भी खा रहे हो कुछ तो छोड़ दो उसको, ये ब्लॉग देखने के बाद आप उसको छोड़ दो खाना, खत्म करो, एक एक उठाओ दो। मैं खा रहा, मैं तो हो गया। यार एक थप्पड़ मार दूंगा ना मैं, जाम इतना हो रहा है, इतना गुस्सा। मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, इतनी देर से बैठा हूँ, एक तो लाइट नहीं है थार में, ऊपर से पता नहीं किस किस चीज पे गुस्सा आ रहा है, इतनी जाम हो रहा है यार। अब कहाँ जा रहे हो यार, 8 बजे अपना घर पहुंचो, 4 बजे खाना खाओ, भैंस की जाम लगा रखा, इतनी बसें भर भर के जा रही है यार। भाई देखो यार, देखो मन तो कर रहा है इन फुटपाथ ये जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ाऊं और वापसी हो जाऊं यार, मेरा मन नहीं कर रहा अब। जाहिद चल ले, क्या यार कैसे जाएंगे बताओ ना, ये देखना जरा कितना जाम है यार। चल ले यार, अब आगे इतना दूर तो चल ले, कौन सा दूर, अभी भी आधे घंटे लगेंगे, बंदा रोक रखा हमने यार टट्टी की तरह ना, अभी पे थूक लगा लिया ताकि रुक जाए। अभी ये क्या लिखा है, ले लो ले लो भाई, ना देखना पड़ता है ना कि कहीं फोन स्लैश ना हो जाए भाई, ना बाल कटवाए ना कपड़े लिए, तो जहाँ कपड़े लेने गए थे वो भैया अभी है नहीं अवेलेबल, तो कल आएंगे। बाकी रही बात स्नैचिंग की, तो ये पहाड़ गए ना, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल होकर स्नैचिंग करूँगा, ब्लॉगिंग करूँगा। अभी पापा ने बनवाया बहुत स्वादिष्ट मटन, आज सुबह से कुछ ना कुछ बढ़िया खा रहे हैं यार, चिकन खा लिया, प्रॉन्स खा लिए, उसके बाद अब मटन की वो है हमारी, ना के ला रहे अंकल। कितनी रोटी खाओगे? मैं एक रोटी खाऊंगा, ये फोन को भी फ्राई कर देना इसमें डाल। अच्छा जी। दो बस, बस सिंगल, पेट भी तो देखो ना अंकल कितना छोटा सा है, और ये देखो हम ना कश्मीर जा रहे हैं तो ना भारी नहीं खाना चाहते, थोड़ी देर में कश्मीर की फ्लाइट है, भारी खाएंगे उल्टी कर देंगे प्लेन में, क्या फायदा। क्यों गाइस, कश्मीर से लगभग कितनी दूर है? बस वहीं पास है, थोड़ा सा गाड़ी से जाने में है, 10 घंटे लगे थे याद है, लद्दाख से कश्मीर जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा बोलिए कितना दूर। हाँ जी लाओ डाल दो इसे कढ़ाई में, थोड़ा डांस करके दिखा दो, चलो खत्म बात। आप लोग दोस्त हो, आप लोग दोस्त हो भाई, जो साथ में धंधा करते हैं कभी दोस्त नहीं रह सकते, क्या कहते हैं तो भाई अगर आपको खानी है पहाड़गंज में, अगर आप ढूंढ रहे हो तो इधर आ जाओ, एक नंबर रोटी मिलेगी आपको यहाँ पे। वैसे तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को खुद भी नहीं पता, इससे अच्छी अच्छी दुकानें भी होंगी, मेरे को यहाँ पास में लगा।
ये है वो मटन जो पापा ने होते देखने से पहले, हम एक मिनट ये दिखाना चाहते हैं ये हमारे गैस का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। कम करो ना इसे, अबे तो बंद कर दो ना इसे, तुमने बंद क्यों नहीं की ऐसे करके देखने। तो मीठे भाई के साथ कुछ मीठा खाने जा रहा हूँ। भाई नहीं दिख रहा यार, ये मीठा खाने का मन कर रहा है, वापसी कलेवा जाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे। कहीं तुम ये तो नहीं देख रहे मेरे ब्रेसलेट, बढ़िया लग रहे ना, लिंक नहीं दूंगा। तो हो गया बंद, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हम, भाई कह रहा है और यहाँ थार जाएगी भी अपनी। और ये हम कहाँ घुसा रहे हैं यार, यही लगाओ ना यहाँ पे छोड़े में। और क्या करें यहाँ, यही लगा के अंदर यहाँ पे मिलता है भाई, हम आते थे याद है मैं और वो जवार ना। भाई तुम्हारे भाई ने नई सेटिंग सीख ली है जिससे लाइट बढ़ गई है, 30 फ्रेम पे कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। अब आप आ गए, गाड़ी यहीं खड़ी कर दी रोड पे, मेरा फ़ोन स्नैच ना हो जाए बस। मेरे को पता है क्यों है ऐसा स्नैचिंग का, क्योंकि मेरे को ट्रॉमा था, मेरा फ़ोन दो बार स्नैच हो चुका है, व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहा था तब मैं अपनी। अच्छा ये है क्या वो, भाई मुझे लग रहा है हमें ना ये लेने चाहिए दो, एक छोटा थोड़ा सा ये। भाई ये कैसे ग्लो कर रही है देखना, इसमें ब्यूटी क्रीम लगा है, देखो ना चमक रही है भाई, नज़र बट्टू लग रहा है। आप लोगों की गंदी सोच है, हमारे को तो नज़र बट्टू लग रहा है। क्या हो गया अंकल, गाड़ी खड़े कर रखेगी किसी ने गलत? नहीं मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए क्या रुका है, वो आदमी ने मेरा दरवाजा ही तोड़ दिया है। ओ शिट, कहाँ है? देखा उसको, कैसा आदमी है यार वो, दरवाजा दरवाजा ही तोड़ दिया। अरे माय गॉड, फोटो वोटो नहीं ली? अरे क्या करूँ मैं अभी, मैं वो मेरी गाड़ी में तो नहीं करा ना कुछ, ये वाली आपकी है? हाँ मालूम है यार, क्या आदमी है, मैं यहाँ पे दो सेकंड के लिए नहीं रोका था, मैं देख रहा था उसको कर रहा था वो, जानबूझकर तोड़ दिया यार दरवाजा उसने मेरी गाड़ी का। अब वो कहाँ है पता नहीं, अंदर चला गया यार। अरे चलो कोई नहीं अंकल जी, ये तो होता रहता है, वो ले लो क्लेम। इतना साइड पे, यहीं पे साइड पे थी। कितना बुरा हुआ अंकल पे तरस ज्यादा आ रहा है, ये फोन किसको घुमा रहे हैं पता नहीं, 100 नंबर पे। भाई यार ये पेट खराब ना हो जाए बस मेरा ये खा के, अभी तो सही हुआ है भाई, खा के देखते हैं, देखो है ना। अरे हाय रबड़ी तो बड़ी है, अच्छा लग रहा है, रबड़ी तो बहन की रबड़ी है भाई। लाइट बढ़ गई होगी एकदम से। ब्रो व्हाट्स अप मैन, तो आपसे इजाजत लेते हैं, हम सब कुछ तो व्लॉग में दिखा सकते नहीं है, क्या कहते हो? तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपसे एक मिनट लाइट जला लूं, अब आपसे अलविदा लेते हैं। इसी तरीके हमारे ब्लॉग को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी आज जो हम पार्ट टाइम करते हैं ना रात में ड्यूटी, वो भी दिखा देंगे। बट यहाँ पे आ गए ना, ना खाया अब, खाना गाना तो भूल ही गया मैं आप लोगों के लिए। ये शौखिये शरारत ये नफाजत नजाकत ये बहुत खूबसूरत हो आप सर से पांव तक, दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। कि अपन दरगाह जा रहे हैं, दरगाह में सूफी नाइट आज बहुत बढ़िया, तो एक छोटा सा बहुत प्यारा सा इनविटेशन आया था आलिम भाई की ओर से, उसको इनवाइट करेंगे और थोड़ा सा आपको उसकी झलक दिखाएंगे, मतलब झलक थोड़ी सी दिखाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों और थोड़ा कैमरा को कम उसके अंदर, समझ रहे हो आप, समझ गए हो। तो भाई आलिम भाई के साथ थोड़ा सा हम सूफी नाइट में जाने से पहले थोड़ा सा डिनर करेंगे। आलिम भाई आगे हाय कह दीजिए। तो भाई अपने प्यारे से आलिम भाई जी क्यूट से भाई इतना ज्यादा खाना खा लिया है, पेट भर गया है, आलिम भाई ने बहुत ज्यादा खिला दिया, ऑलरेडी डिनर करके आए थे, तो आलिम भाई ने कहा गाड़ी अंदर ले आओ, बिल्कुल गेट के आगे लगवा दिया यार भैया ने, भैया के बहुत हम वो हैं ग्रेटफुल, और सारी चीजें हटवा दी भैया ने, देखो यार हमारे लिए, एक तो इतने क्यूट भैया है ना, मैं मतलब क्या ही बताऊंगा। तो यहाँ से एंट्री होती है, ये रहा गेट इसका दरगाह का, और हम एग्जैक्टली यहाँ पे आ गए भाई, बच्चों उनको भगा दिया बेचारों को, थोड़ा सा भीड़ ना लगाए, हम सीधा अंदर एंट्री मारेंगे अब। संकट सब परेशानी दूर हो, आप लोगों को तरक्की दे, कामयाबी दे, सब संकट सब परेशानी दूर हो, आपकी आपके रोजगार में कोई बंदत नहीं, कारोबार में कोई तरक्की,
फोन आ रहा है क्या? अच्छा अजीम जी हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और भैया की तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू थैंक यू भाई। अरे तुम भी भाई। ओके भैया भाई चप्पल इधर भाई। हाँ दोनों रखो इंशाल्लाह। ओके भैया जी भाई थम्स अप लाइक सब्सक्राइब। Guys, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। भैया ने खाना वाना खिलाया एंड अच्छी मेहमान नवाजी करी। और हम यहाँ पे एक दो दिन बाद फिर से आएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से एक इवेंट है। और इसी तरीके से व्लॉग्स को देखते जाइए और थोड़ा प्यार दिखाइए। भगवान ने बुलाया तो हम चले आए और जब जब बुलाएंगे तब भी हम जाएंगे। और एंड वी रिस्पेक्ट ऑल। और इसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे प्यार दिखाते रहें। Goodbye, good night.